इंशाल्लाह आने वाला वक्त जो है ये मुस्लिम लीग नून का है और इंशाल्लाह रहे। खान साहब आप मुझे बताएं, खान साहब ने चेंज का नारा लगा के आए थे तो खान साहब ने क्या किया? कॉन्फ्रेंस के जरिए सबको बताना चाह रहा हूँ कि इंशाल्लाह मेरा जीना और मरना ये मुस्लिम लीग नून के साथ है और मुस्लिम लीग नून के साथ रहेगी। नवाज शरीफ साहब और शहबाज शरीफ साहब, इनका जो इस मुल्क के लिए खिदमात हैं। रहीम, सबसे पहले तो मैं आप तमाम सहाफ़ी भाइयों का शुक्रिया अदा करता हूँ, तहे दिल से शुक्रिया अदा करता हूँ कि आप लोग एक शॉर्ट कॉल पे आप यहाँ आए। और जी, मेरा नाम निसार मोहम्मद है और इस्लामाबाद में और बुनेर में जो मुझे नाम पूरा कहा जाता है, निसार मोहम्मद बुनेरी, मैं एडवोकेट हूँ। 2009 से एनरोल हूँ इस्लामाबाद बार में, प्रैक्टिस कर रहा हूँ। 2010 में हमने अपना जो है फर्म भी रजिस्टर करवा दिया LLC लीगल एड कंसल्टेंट के नाम से, ठीक है, और वही फर्म चलता आ रहा है और अल्हम्दुलिल्लाह हमारा जो है प्रैक्टिस भी बहुत ठीक जा रही है। तो एक ऑफिस अभी रिसेंटली तो नहीं कहा जा सकता, 2-3 साल 4 साल हो गए, बुनेर में भी इसका एक शाख या एक ब्रांच बनवा दी है डगर में, LLC के नाम से, लीगल एड कंसल्टेंट के नाम से, और मैं वकील हूँ, प्रोफेशनल लॉयर हूँ जी। तो आज जो प्रेस कॉन्फ्रेंस है वो इसी हवाले से है कि रिसेंटली अभी तकरीबन 2 तारीख को मैंने मुस्लिम लीग नून भी ज्वाइन किया है और मुस्लिम लीग ज्वाइन करने का मकसद यही है और इसलिए मैंने ज्वाइन किया है क्योंकि नवाज शरीफ साहब और शहबाज शरीफ साहब, इनका जो इस मुल्क के लिए खिदमात हैं वो किसी से ढके छुपे नहीं है, ठीक है। देखो CPAC को देखे आप, इस मुल्क के कराची के अंदर जो मसाइल थे, मतलब लॉ एंड ऑर्डर की सिचुएशन, ये किसने क्लियर करा दिए थे? ये मियां मोहम्मद नवाज शरीफ साहब ने क्लियर करा दिए थे। और ये CPAC चाइना से है वो भी नवाज शरीफ का मंसूबा। देखो जो एटमी धमाके थे उस वक्त कितना प्रेशर था मियां मोहम्मद नवाज शरीफ पे और हमारे पाकिस्तान में उसकी हुकूमत के अंदर हुकूमत पे, लेकिन उसने प्रेशर को बर्दाश्त नहीं किया और उन्होंने चाहे के मुकाम पे धमाके भी करवाए। अब जितनी भी डेवलपमेंट्स के काम होते जा रहे हैं हुए हैं, चाहे मोटरवेज की शक्ल में, चाहे CPAC की शक्ल में, वो सारे के सारे मंसूबे मियां मोहम्मद नवाज शरीफ के हैं। आप पंजाब को देखे और सिंध को देखे, यहाँ पे जितनी हुकूमत गुजरी है पाकिस्तान मुस्लिम लीग नवाज की, तो आप पंजाब की हालत को देखिए, जुनूबी पंजाब में जाए या लाहौर में जाए, तो इतने तरक्याती काम मेरे ख्याल में कहीं भी नहीं हुआ जितना पंजाब के अंदर हुआ है। आप सिंध में जाके देखें तो सिंध में आप तरपारकर में जाएं, कोई और डिस्ट्रिक्ट में जाए, तो वहाँ लोगों को अंधेरे में या अंधेरा तो नहीं कह सकते, लेकिन फिर भी उन लोगों को मतलब वहाँ पे एजुकेशन नहीं है, वहाँ लोगों को साफ पानी मैसर नहीं है, ठीक है। कराची के अंदर जितने भी वाकयात होते रहते थे वो सारे की सारी चीज़ें मियां मोहम्मद नवाज शरीफ ने क्लियर कर दिए। अब ये 16 महीने हो गए, 16 महीनों के अंदर जो PDM आया है और पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून का जो मियां मोहम्मद शहबाज शरीफ आया है, उन्होंने कितना मुल्क किस तरफ जा चुका था इमरान खान के दौर में। अब उन्होंने देखो इसहाक डार के थ्रू जो है IMF से मुआहिदा हुआ है और बाकी बहुत सारी चीज़ें जो इमरान खान ने मतलब को क्या बताओ, मुल्क के हालात को बिगाड़ कर रख दिया था। अब वही हालात इन्होंने 16 महीनों में ठीक करा के मतलब पाकिस्तानी आवाम के लिए वो करवा दी है। अब जो मैंने मुस्लिम लीग नून ज्वाइन किए हैं, मेरा प्रेस कॉन्फ्रेंस के जरिए सबको बताना चाह रहा हूँ कि इंशाल्लाह मेरा जीना और मरना ये मुस्लिम लीग नून के साथ है और मुस्लिम लीग नून के साथ रहेगी इंशाल्लाह, और यही मेरा जुमात है और इनके इसके साथ मैं इंशाल्लाह सिंसियर हूँ और इंशाल्लाह आप लोग भी देखेंगे कि मैं मुस्लिम लीग नून के लिए क्या करता हूँ जी। अगर आपके कुछ सवाल आते तो आप बता सकते हैं। क्या खास बात थी कि आपने मुस्लिम लीग नून को ज्वाइन किया है, इसकी वजह वैसे आपको इतने से बाद आपने सोचा, क्या अट्रैक्टिव क्या चीज़ जी? मुस्लिम लीग नून मैंने इसलिए ज्वाइन की है क्योंकि देखिए आप और पार्टियों के साथ इसका कंपैरिजन कर लें, मुल्क के साथ जो सिंसियरिटी है, मुल्क के साथ वफादारी है और इस मुल्क की मिट्टी के साथ जो है जो वफादारी आप कह सकते हैं या इस मुल्क की मिट्टी के साथ वफादारी आप कह सकते हैं, वो सिर्फ यही पार्टी है पाकिस्तान मुस्लिम लीग नवाज। इसलिए मैंने ये पार्टी ज्वाइन की है कि यही यहाँ पे शरीफ लोग रह रहे हैं और यही
असल की सियासत भी इस मुल्क का यही लोग कर रहे हैं, और आगे जो है मुल्क को बेहतरी की तरफ भी यही लोग लेके जा सकते हैं। निसार साहब, बड़ी देर कर दी मेहरबान आते आते सिराते मुस्तकीम के, आपके बकौल अभी रास्ते पे चढ़े आप जी। तो जब आप उस वक्त आए जब आपके लीडर जो हैं वो मुल्क से भागे हुए हैं, महंगाई मुल्क की बुलंद तरीन सतह पर है जी, वोट बैंक जो है कुछ लोग खुदकशियां कर रहे हैं, अभी कैसे आपने इस मुल्क में 4 साल हुकूमत इमरान खान साहब ने की है, ठीक है। अभी जब मियां शहबाज शरीफ ने हुकूमत संभाली तो मुल्क के हालात किस तरफ जा चुके थे, मुल्क के हालात कितने खराब थे, आप इस बात का अंदाजा लगाए। देखो 16 महीनों में आके मियां शहबाज शरीफ ने मुल्क के लिए क्या खिदमत की है, मियां शहबाज शरीफ ने हुकूमत संभाली तो मुल्क के हालात किस तरफ जा चुके थे, मुल्क के हालात कितने खराब थे, आप इस बात का अंदाजा लगाए। देखो 16 महीनों में आके मियां शहबाज शरीफ ने मुल्क के लिए क्या खिदमत की है, बहुत ऐसे काम ऐसे किए कि वो इमरान खान से नहीं हो सकते थे। देखो IMF का मुआहिदा ये कोई छोटे मोटे काम है, अच्छा चीन से वही दोस्ती दोबारा बहाल करना और CPEC को का मनसूबा, देखो आप इस्लामाबाद पे नजर डाले जो मेट्रो मनसूबा मियां मोहम्मद नवाज शरीफ के दौर में अधूरा रह चुका था, उसी पे 3.5-4 सालों में इमरान खान साहब ने काम रुकवा दिया था, उसके जंगले जो हैं वो जंगलूत हो चुके थे। वो अभी जब शहबाज शरीफ आए तो दूसरे दिन उनको बस प्रोवाइड करके तो उनको स्टार्ट करवा दिया था, आखिर ये क्या चीज है। नहीं जी नहीं जी, मैं प्राइम मिनिस्टर हाउस जब मैंने ज्वाइन किया तो मैं नहीं गया, क्योंकि जब मैंने ज्वाइन कर लिए तो उसके दूसरे तीसरे दिन मैं कराची गया, क्योंकि छुट्टी हमारी होती है अगस्त में, तो मैं बस विजिट करने कराची गया और कल शाम को मैं वापस आ गया हूँ। 16 माह से PDM गए, आप इनकी सपोर्ट कर रहे हैं जबकि खुद नून लीग में मरियम नवाज शायद का निवासी वो इनके अगेंस्ट बयान देते नजर आते हैं, मरियम नवाज इस हुकूमत को वो नहीं करते हुए नजर आते, एक तो क्या वजह है कि आप इन 16 माह को इतना ज्यादा डिफेंड कर रहे हैं अपनी पार्टी के भी कुछ लोगों के अगेंस्ट जाकर। दूसरा सवाल है कि नून और अगर शीन कभी अलग होती है तो उसमें आपकी सपोर्ट किस तरफ जाएगी, आप तो अब तो नून लीग को ज्वाइन कर चुके हैं। ठीक है, नून और शीन तो अलग अलग हो नहीं सकते, ये लाजिम मलजूम है, ठीक है जी, ये अगर नून और शीन तो अलग अलग हो नहीं सकते, ये लाजिम मलजूम है, ठीक है जी, ये अगर मतलब अलग हो जाए तो फिर तो मुस्लिम लीग का पार्टी भी जो है वो मतलब उसका हो जाएगा, लेकिन ये कभी नहीं हो सकता कि ये अलग अलग हो जाए, शीन भी बन जाए और नून भी बन जाए, ये नहीं हो सकता। इस मुल्क का हकीकी जो है लीडर वो मियां मोहम्मद नवाज शरीफ है जी। अच्छा ये बताएं कि अभी आपकी हुकूमत तो चली गई है, PDM की और नून लीग की भी निगरान हुकूमत आ गई है जी, आगे 2 सूबों में इंतखाबात नहीं हुए थे और अभी ये कह रहे हैं निगरान हुकूमत में शायद अगले 6 माह साल इंतखाबात ना हो जी, आप बकौल का वकील भी हैं इसको, आप इसको सपोर्ट करेंगे जी, जी अगर पिछले आदवार को का हम सर्वे करें और मुतालिया करें तो इस तरह नहीं हुआ, ठीक है, कि कभी इलेक्शन डिले हुई हो, ठीक है, तो अगर इलेक्शन डिले होनी थी तो प्राइम मिनिस्टर जो है शहबाज शरीफ साहब वो जो है इक्तदार ना छोड़ता, ये तो इसलिए उन्होंने इक्तदार छोड़ के अभी जो है निगरान सेटअप बन गई हैं, उनका ख्वाहिश भी है, PDM का भी ख्वाहिश है, सारे पार्टियों की ख्वाहिश ये है कि टाइम से इंतेहाबात हो, इससे पहले तो इस तरह नहीं हुआ कि इंतेहाबात डिले हुई हो जी। कोई और सवाल? आपका क्या प्लान है आगे, इंतेहाबात आप भी इलेक्शन में हिस्सा लेंगे? नहीं, मैं इलेक्शन में तो हिस्सा नहीं लड़ूंगा, लेकिन आप अपनी पार्टी के लिए इंशाल्लाह मेरा जान भी हाजिर है और इंशाल्लाह आप कंपेन भी चलाऊंगा अपनी पार्टी के लिए और सब कुछ करूंगा जितना मुझसे हो सके। इस वक्त जो है नून लीग के बारे में अगर सर्वे किया जाए तो उसकी 50% भी सर्वे के मुताबिक नहीं आ रहा जी, तो आप क्या समझते हैं कि आने वाला जो इलेक्शन है उसमें जो नून लीग दोबारा इकतदार में आते हुए नजर आ रही है आपको? जी मुझे तो बिल्कुल वाजे नजर आ रही है, जो सर्वे आप बता रहे हैं इसमें काफी सारे पैक भी हो सकते हैं, ठीक है, सारे इस तरह नहीं है कि पूरे मुल्क का सर्वे उन्होंने निकाली हो या सर्वे करवाई हो, इंशाल्लाह आने वाला वक्त जो है ये मुस्लिम लीग नून का है और इंशाल्लाह रहेगा, तो बिल्कुल वाजे नजर आ रही है, जो सर्वे आप बता रहे हैं इसमें काफी सारे पैक भी हो सकते हैं, ठीक है, सारे इस तरह नहीं कि पूरे मुल्क का सर्वे उन्होंने निकाली हो या सर्वे करवाई हो, इंशाल्लाह आने वाला वक्त जो है ये मुस्लिम लीग नून का है और इंशाल्लाह रहेगा। महंगाई पर आप क्या कहना चाहेंगे, क्योंकि अब आपकी हुकूमत जाते जाते उसमें जो है
पेट्रोल की कीमतों में इजाफा कर दिया जिस पर जो आवाम मुतमईन नहीं है जी। ये 16 महीनों की कारकर्दगी तो नहीं है ना, ये 4 साल जो खान साहब बैठे हुए थे ये उन्हीं की जो है वो जो काम है उनको रिकवर करने। अब ये तेल जो है बढ़ रही है तो आलमी मार्केट का काम है, ये तो पाकिस्तान में नहीं बहुत सारे मुल्क में और भी बढ़े हैं और बढ़ते रहेंगे, लेकिन ये तो जो जो महंगाई की बात आप कर रहे हैं ये अकेले पाकिस्तान का मसला नहीं, ये हर जगह भी महंगाई होती रहती है। लेकिन ये जो हमारे हुकूमत में या मुस्लिम लीग नून की या पीडीएम की हुकूमत में जो पेट्रोल महंगा हुआ है या महंगाई आई हुई है वो सिर्फ इमरान खान साहब के जो थे ना उसको सिर्फ खिलाड़ी रहना चाहिए और उनको सियासतदान नहीं कह सकते आप। जी करीब में इंतखाबात होते तो मुस्लिम लीग नवाज जी किस बयानी के साथ जो है वो आवाज मैदान में जाएगी, क्या जिस तरह पहले इन्होंने जो बयान बनाया था वोट भी था तो उसी को फॉलो करेंगे? जी जी मेरा तो ख्याल है इंशाल्लाह उसी को फॉलो करेंगे, नवाज शरीफ की हर बात जो है वो मजबूत होती है कि ठीक है मियां नवाज शरीफ जो कहते हैं उसको पूरा भी कर देते हैं और आपने पहले अदवार में देखा भी है और इंशाल्लाह आने वाला वक्त भी देखेगा। और पूरे पाकिस्तान में तो मैं नहीं बता सकता लेकिन पंजाब या 2-3 प्रोविंस में क्लीन स्वीप कर जाएगा पाकिस्तान मुस्लिम लीग। पाकिस्तान पर इमरान खान ने जो हुकूमत की है वो तकरीबन 4 साल की जी, उससे पहले जितना भी अर्सा जमहूरियत का सिलसिला रहा वो नून लीग और पीपी के पास रहा जी। तो क्या उस अरसे में महंगाई नहीं हुई या उस अरसे में जो है वो कर्जे नहीं लिए गए? तो ये जितना भी वक्त है इसका सारा मलबा इमरान खान की 4 साल हुकूमत में डालना और फिर शहबाज शरीफ ने कहा था कि सिर्फ 6 महीनों में हम सारा कुछ ठीक कर देंगे और मेरे ख्याल से जो जितना भी वक्त है सिवाय उन्होंने अपने केसेस को माफ करवाने उसके बाद कीमतें बढ़ाने और इस सारे सिलसिले में उन्होंने अपना टाइम लगाया है, तो अभी तो खैर आप क्या समझते हैं कि ये किस हद तक बेहतर है? देखो मैं पीपीपी के हवाले से तो कुछ नहीं कह सकता लेकिन अपने हुकूमत के जो मुस्लिम लीग नवाज की जितनी भी हुकूमतें आई हैं आप खुद सर्वे करें कि डेवलपमेंट के काम कितने हुए हैं उनके अदवार में मार्केट्स में, यानी जो जो आप बता रहे हैं महंगाई किस शरह से जो है वो डिक्रीज हुई है, ठीक है आप उन चीज़ों को देखें। हमारे अदवार में जितने भी नवाज शरीफ साहब या मोहम्मद नवाज शरीफ और पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून की दौरे हुकूमत थी वो सबसे बेस्ट थी, उनमें उसमें अब चेक करें लोगों के कारोबारें भी ठीक थी, वहाँ हालात भी ठीक थे, ठीक है। लेकिन खान साहब आप मुझे बताएं खान साहब ने चेंज का नारा लगा के आए थे तो खान साहब ने क्या किया है? बिल्कुल ये ठीक बात कही है उसने, आर्मी चीफ साहब ने जबरदस्त बात कही है, बिल्कुल अवाम और पाक आर्मी ये एक पिच पर है, ठीक है। देखो जहाँ पे ये हमारा इदारा है, ठीक है, और काबिल रिस्पेक्ट है, ठीक है, इन इस मुल्क के लिए बहुत ही ज़्यादा कुर्बानियाँ जो है पाकिस्तान आर्मी ने दी हैं, ठीक है। अब जलजला आए तो पाक आर्मी की जवान वहाँ खड़े होते हैं, सैलाब आए वहाँ पे जवान खड़े होते हैं, या मुल्क में कोई और मुसीबतें आए तो यही जवान ही हैं जो मुल्क के सरहदात की तहफ़्फ़ुज़ करते हैं और मुल्क के लिए भी काम करते हैं और मुल्क के दिफा के लिए भी काम करते हैं। मैं तो समझता हूँ ये बहुत ही अच्छा तकरीर है और मैं उसको अप्रिशिएट करता हूँ। आखिरी बता देंगे नवाज शरीफ साहब मुल्क से बाहर रहे हैं इस पूरे अरसे में और अभी भी लोग बहुत सारे ये कहते हैं कि जो लीडर हो बाहर वो कौम का कैसे सोच सकता है, तो आपने तो अभी शमूलियत इख्तियार की, आपने ये नहीं सोचा? जी मैं देखो ना मेरी बात सुने, वो किस वजह से बाहर थे? मियां नवाज शरीफ साहब पहले तो बीमार थे, ठीक हो गया, अब इनकी रिकवरी हो गई तो इमरान खान साहब ने इतनी झूठी FIR इनके ऊपर और इतनी झूठे केसेस बनाए हैं कि इसका कोई मिसाल नहीं मिलती। देखो 4 साल हुकूमत इमरान खान ने की है, ठीक है, पिछले चार सालों में इन्होंने क्या रिकवरी की है करप्शन के मद में जो इतने केसेस बनाए हैं? तो होना तो यही चाहिए था कि मियां मोहम्मद नवाज शरीफ कन्विक्ट हो जाते ना, या उनके खिलाफ कोई केस साबित हो जाता ना, या मियां जो मरियम नवाज साहब है उनके खिलाफ केस जो है वो प्रूफ हो जाते ना, या और भी शहबाज शरीफ और ये हमदा शहबाज के ऊपर
कोई केस कोई एक रुपया या कोई इस तरह कोई साबित हुआ है? नहीं हुआ। झूठी केसेस बनाए हुए तो किस लिए वो पाकिस्तान किस तरह पाकिस्तान में आ जाता ताकि इनके खिलाफ इतनी एफ आई आर थी? जी अच्छा सर ये बताइएगा कि जिस तरीके से नून लीग ने इमरान खान के दौर में जिस तरह रैली एक निकाली थी लाहौर से शुरू हुई थी बल्कि पूरे पाकिस्तान से ही लोग यहाँ पर आए थे कि महंगाई मकाओ मार्च के नाम से जी जी तो उनका अभी यानी कि 15 माह का जो दौर गुजरा है इसको आप किस तरीके से देखते हैं कि आया कि महंगाई में कमी आई जिस तरीके से आए दिन जो है ना बिजली के बिल में इजाफा हो रहा है लोग खुदकुशियाँ करने पर मजबूर हैं आपको लगता है कि इस बयानी के साथ नून लीग दोबारा हुकूमत में आ पाएगी? देखो मेरी बात सुने ये हुकूमत जो हुई है ना इन्होंने जो पिछला जो 4 साल दौर था इमरान खान साहब का ठीक है उसमें जितनी भी उस जमात से या उनकी उससे गलतियां हुई थी तो उस गलतियों को सुधारने आप कहें या उसके ऊपर जो है वो क्या कहते हैं उसको रिकवर करने के लिए उन्होंने 16 महीनों में इतनी मेहनत की है कि वो सिस्टम को ठीक करें लेकिन आप खुद अंदाज़ा लगा लें कि पिछले 4 सालों का जो उन्होंने किया है गलतियाँ तो वो किस तरह 16 महीनों में रिकवर हो सकती है लेकिन फिर भी और मियां शहबाज शरीफ की हुकूमत ने बहुत अच्छे काम किए हैं जिसमें जिसका आप खुद कर सकते हैं मतलब आपको अंदाज़ा हो जाएगा कितनी मुआवजा कर सकते हैं। जी थैंक यू सो मच आपके आने का शुक्रिया।